जय गुरु जी। अंजलि आंटी, आपको मेरा आवाज आ रही है? प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं मेरी आवाज आ रही है। जय गुरु जी। कशिश जी, जय गुरु जी। लक्ष्मी रानी जी, सभी संगत जो जो भी ऑनलाइन आ रहे हैं उन सबको मेरा जय गुरु जी। चलिए संगत जी, जब तक बाकी संगत हमारे साथ जुड़ती है तब तक हम लोग सब मिलके गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं एक बार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु जी को कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा ढेर सारा शुक्राना, गुरु जी को ढेर सारा शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे फिर से एक मौका दिया कि मैं दूसरी बार आपके सामने आके अपना एक सत्संग शेयर करूं। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि मुझे आज उन्होंने फिर से ये दात बख्शी कि मैं आपके सामने आई और अपना सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी की संगत को मेरा ढेर सारा शुक्राना कि वो यहाँ पर आए, मुझे अपना समय दे रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गुरु जी के साथ में जुड़े हैं। सबको ढेर सारा शुक्राना, और सबसे बड़ा शुक्राना देवेंद्र अंकल और अंजलि आंटी को, गुरु जी नाल मौजा ग्रुप को, जिन्होंने मुझे ये दोबारा मौका दिया कि मैं आप सबके साथ आकर अपना सत्संग शेयर करूं। आप सबका ढेर सारा शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे बोलना चाहूँगी कि आप सब गुरु जी से जुड़े हुए हैं, सब लोग गुरु जी को बहुत सारा प्यार करते हैं, सब गुरु जी को बहुत मानते हैं, बट स्टिल हम लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं डाउट में आ जाते हैं कि शायद गुरु जी जो हैं हमें ये चीज़ नहीं दे रहे हैं, हमारा ये काम नहीं कर रहे हैं, हमारी चीज़ पूरी नहीं हो रही है। तो संगत जी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप ऐसा कुछ भी ना सोचें। गुरु जी को सब पता रहता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या इच्छा है, लेकिन वो हमारी इच्छा पूरी करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इच्छा पूरी करते हैं जो उन्हें लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है और हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए बेहतर है। तो संगत जी, कभी भी आप ये मत सोचें कि नहीं, हम लोग होता है ना कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि नहीं, गुरु जी ने हमारा ये काम नहीं किया, गुरु जी ने हमारी ये बात नहीं सुनी, हमें गुरु जी तो हमारी कोई भी मतलब उसका ये पूरा कर दिया, मेरा ये पूरा नहीं किया। तो संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी सबसे बहुत प्यार करते हैं, अपनी एक एक संगत से वो बहुत प्यार करते हैं, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन हम ही लोग होते हैं, हम ही अनजाने में क्या करते हैं, हमें लगता है कि नहीं, गुरु जी जो हैं हमें हमारी इच्छा की चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गुरु जी हमें उससे भी बेहतर चीज़ देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है। अभी गुरु जी का जो मैं आपसे सत्संग शेयर करूँगी संगत जी, वो अपनी मदर को लेके करूँगी कि उन्होंने मेरी मदर की लाइफ को कैसे बख्शा, कैसे उन्होंने मेरी मम्मा की लाइफ को सेव किया और कैसे उन्होंने हमें अपनी ब्लेसिंग दी। इससे पहले जब मैं आई थी ऑनलाइन, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि गुरुजी के साथ में मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं गुरुजी के साथ में कैसे जुड़ी। अभी अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने मेरी मम्मा को मुझे कैसे बख्शा, मेरी मम्मा की लाइफ को कैसे बख्शा, उनकी लाइफ को कैसे सेव किया। और जो जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं कि गुरुजी हमारी पूरी नहीं करते हैं, गुरुजी हमारे साथ नहीं हैं, गुरुजी मेरी ये चीज़ पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ये शायद सत्संग उन लोगों के लिए है जो ये थॉट रखते हैं, जिनके माइंड में कभी कभी ये थॉट आ जाता है कि नहीं, गुरुजी ऐसा करते हैं, गुरुजी हमारे साथ पूरी नहीं करते, मेरी विश पूरी नहीं करते। तो ये सत्संग उनके लिए है कि नहीं, गुरुजी तो हर पल हमारे साथ में है, हर जगह पर हमारे साथ में है, हर घड़ी हमारे साथ में है। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए, किस समय पे चाहिए और क्या आपके लिए बेहतर है। तो संगत जी, ये जो सत्संग है ये मेरी मम्मा का सत्संग है। मेरी मम्मा एक्चुअली हमारे घर में जो भी बनता है तो सबसे पहले वो गुरुजी को भोग लगाया जाता है। गुरुजी को भोग लगाने के बाद वो फिर पूरा परिवार जो है उसको एज अ प्रसाद खाता है। तो उस दिन क्या हुआ, मम्मा गुरुजी के पास में बैठी तो मम्मा ने गुरुजी से इजाज़त लिया कि गुरुजी आज क्या आप चावल और काला चने का प्रसाद मतलब मैं बना दूं, क्या आप वो खाएंगे? तो मम्मा को आज्ञा मिली कि हाँ आप बना दो और काला चना और चावल का भोग लगा दो। तो मम्मा ने बड़े शौक से गुरुजी के लिए चावल और काले चने की सब्जी बनाई।
और गुरुजी को भोग लगाई, गुरुजी की आज्ञा लेके उसको गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद जो है मम्मा ने खुद भी खाया, हम लोगों को भी प्रसाद दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, खाने के बाद जैसे ही मम्मा ने काले चना और चावल खाया, एक्चुअली मम्मा मेरी डायबिटिक की पेशेंट है तो वैसे तो चावल उनको अलाउ नहीं है, लेकिन गुरुजी का प्रसाद, आप जानते हो गुरुजी हमेशा वही खिलाते हैं जो मतलब मना होता है, क्यों, क्योंकि उनका हर एक प्रसाद जो है वो दवा का काम करता है। तो वही गुरुजी ने किया, गुरुजी ने मम्मा को चावल प्रसाद खिलाया अपना, उन्होंने खाया। लेकिन खाने के बाद क्या हुआ, जो चना खाया उन्होंने, तो चना खाने से उनका थोड़ा सा तबीयत मम्मा का खराब हो गया। मम्मा को एकदम से जो है खांसी आने लगी। खांसी आई तो मम्मा ने खूब सारा पानी भी पिया, लेकिन पानी पीने के बाद मम्मा को कुछ आराम नहीं मिला। तो उनको लगा कि पता नहीं एकदम से क्या हो गया, ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन उनको हो क्या रहा था, उन्होंने हमें तो ये बताया कि भाई खांसी आ रही है और खांसी बहुत तेज़ भी थी, लेकिन उनको सडनली चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया जो कि उन्होंने हमसे नहीं बताया। और वो उस पेन को अपने आप ही बियर करती रही करती रही बियर करती रही। रात में क्या हुआ, एकदम से उनका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो वो हम लोगों को बोली कि बेटा अब मेरे को ना चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो तुम लोग मुझे जो हो कार्डियोलॉजी ले चलो। कार्डियोलॉजी, हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया जो एकदम कार्डियोलॉजी का ज़रूरत पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उनको पेन था। लेकिन जाने से पहले वो बोली कि मैं जो हूँ गुरुजी के आगे मत्था टेक लेती हूँ। वो गुरुजी के पास गई, उन्होंने गुरुजी के सामने मत्था टेका, गुरुजी से बोला कि गुरुपा मैंने तो आपकी इजाज़त लेके ये प्रसाद बनाया था, आप ही ने मुझे कहा था कि हाँ चावल और चना प्रसाद बनाओ, तो मैंने तो आपकी इजाज़त लेके इसको बनाया था। फिर ऐसा क्या गलती हो गई गुरुपा कि मतलब आपको, आप नाराज़ हो गए या क्या हुआ गुरुपा, ऐसे मेरे से कौन सी गलती हो गई? तो और गुरुपा ठीक है, अगर आप मतलब जो है मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है गुरुपा, तो प्लीज़ आप मुझे जो है थोड़ा समय दे दो। अच्छा, जब मम्मी ने ये प्रसाद बनाया था उसके एक हफ्ते बाद गुरुजी का बर्थडे का डेट था, गुरुजी की बर्थडे थी, तो मम्मी ने गुरुजी के सामने ये बोला कि गुरुपा अगर आपको मुझे कुछ करना भी है ना, तो प्लीज़ आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दो, एक हफ्ते बाद मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर लूँ, फिर भले ही आप गुरुपा मुझे अपने पास बुला लेना। तो ये सारी बातें जो हैं मम्मा और गुरुजी के बीच में चल रही थी। और मम्मा ने बोला कि गुरुपा लेकिन मुझे बहुत खराब लगेगा ये चीज़ कि लोग तो ये कहेंगे कि इसने गुरुजी का चना प्रसाद और चावल प्रसाद खाया था इसलिए तबीयत खराब हो गई। तो गुरुपा आपको जो भी करना है वो प्लीज़ आप मतलब कुछ और तरीके से कर दो, लेकिन इस तरीके से मत करना, और मुझे एक हफ्ते का आप समय दे दो, एक हफ्ते बाद आपको मुझे अगर बुलाना है अपने पास तो आप मुझे बुला लेना। इतना कह के मम्मा जो है बोली कि मुझे कार्डियोलॉजी नहीं जाना, और जो है गुरुजी तो बहुत, मैंने तो सुना था गुरुजी बहुत बड़े डॉक्टर हैं और गुरुजी सारी चीज़ों का जो है इलाज खुद ही करते हैं, तो मैं कार्डियोलॉजी नहीं जाऊंगी। हमने मम्मा को बहुत ज़्यादा बोला अभी कि नहीं मम्मा बहुत दिक्कत हो जाएगी, रात में तकलीफ़ हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मम्मा जो है वो नहीं मानी, वो इस बात पे अड़ी रही कि नहीं मैंने तो गुरुजी का प्रसाद खाया था और गुरुजी ही अब मुझे ठीक करेंगे, और अगर गुरुजी को मुझे अपने पास बुलाना है तो ठीक है गुरुजी मुझे बुला लें। इतना कह के मम्मी सो गई। मम्मी सोई, आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, सोई गुरुजी की ऐसी, रात में उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, वो आराम से सोई। सुबह जब मॉर्निंग में वो उठती हैं, उठने के बाद जब वो वॉशरूम जाती हैं, तो उनको बहुत कस के फिर से वही खांसी आती है, और वो खांसी आती है तो खांसी आते ही उनके गले में से एक चने का दाना बाहर आता है। जैसे ही वो खांसती हैं तो उनकी हथेली पर एक चने का दाना आता है, और वो चने का दाना इतना मोटा फूला हुआ होता है, उसके बाद वो एकदम मतलब हाँ एकदम शॉक्ड हो जाती हैं कि ये क्या, ये कैसे। उन्होंने जब वो चना देखा वो इतना मोटा फूला हुआ, और जब उसको वो फेंकने गई नाली में, तो उन्होंने नाली में बकायदा डाल के देखा कि वो कैसे अटका हुआ था।
तो गुरु जी ने, आप देखो किस तरीके से कहते हैं ना, जब हमारी सच्ची आस्था होती है ईश्वर पे, हम सच्चा अपना हर चीज उसको सौंप देते हैं, तो वो ईश्वर भी एक-एक पल हमारी रक्षा करते हैं और एक-एक पल उस चीज का ख्याल रखते हैं कि नहीं, ये तो मेरे ऊपर ही पूरी तरीके से आश्रित है, इसने मुझे अपने को सरेंडर कर दिया है, तो मुझे ही इसका ख्याल रखना है, मुझे ही इसकी देखरेख करनी है। और वही चीज उन्होंने मेरी मम्मा के साथ की, उन्होंने मेरी मम्मी को एक नई जिंदगी बख्शी। अगर वो चने का दाना उनके गले से शायद बाहर नहीं आता, तो शायद मेरी मम्मा को पता नहीं क्या हो जाता, उनकी लाइफ होती ना होती, वी नेवर नो। बट गुरु जी ने उनको एक लाइफ बख्शी, उनकी वो तकलीफ को दूर किया। वो जानते थे कि उनको क्या तकलीफ है, किस वजह से तकलीफ है, उस वजह को उन्होंने दूर किया और उस चने के दाने को उन्होंने उनके गले से बाहर निकाल के ये दिखाया कि हाँ ठीक है पुत्र, तू परेशान ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, तूने मुझे अपने को सौंपा है, तो देख मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी, इस तरीके से हमारे गुरु जी जो है, हम सबको ढेर सारा प्यार करते हैं, बस हम ही लोगों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। हम ही लोग ये सोचते हैं कि नहीं, गुरु जी तो हमारे साथ हैं ही नहीं, गुरु जी तो हमारे कोई बात सुनते नहीं हैं। थोड़ा समय आता है, कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, लेकिन हमें उन तकलीफों से घबराना नहीं है, हमें अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को वहाँ पर तोड़ना नहीं है, हमें वो विश्वास को बनाए रखना है, गुरु जी के साथ जुड़े रहना है और गुरु जी के साथ में अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है। आप एक बार गुरु जी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के देखिए संगत जी, गुरु जी हर पल आपके साथ हैं, हर पल आपकी रक्षा करते हैं, हर पल आपके अंग संग रहते हैं। अभी इतना बुरा समय चल रहा है, अभी तो खैर बहुत स्थितियां संभल गई, लेकिन मार्च से लेके अभी तक इतना जो बुरा समय चला संगत जी, आज अगर हम लोग सब सेफ हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही सेफ हैं। शायद हमारे कुछ ये पुण्य कर्म थे कि हमें गुरु जी का साथ मिला, गुरु जी के पास रहने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात संगत जी, कि हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम गुरु जी की शान में कुछ कह पाएँ या कुछ कर पाएँ, लेकिन गुरु जी ने इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम सबको एक्सेप्ट किया, अपने पास गले से लगा के रखा, अपने साथ हमारी, मतलब हर पल हमारी हिफाजत की, हर पल हमारे साथ रहे। तो इससे बड़ी दात और कोई नहीं हो सकती है संगत जी। आप लोग सब गुरु जी को, मतलब जितना शुक्राना करें हम गुरु जी का उतना कम है, जितना उनका थैंक्स किया जाए उतना कम है संगत जी। बस एक कहते हैं ना कि एक विश्वास की बात होती है, और विश्वास तो अगर आप पत्थर पे भी कर लें तो उस पत्थर में भी जान आ जाती है। और फिर गुरु जी तो हमारे साक्षात भगवान है, हमारे पास में साक्षात शिव का रूप है, साक्षात हमारे पास है, साक्षात हमारे अंग संग है। बस हम ही नादान होते हैं जो उनको चैलेंज करने लगते हैं, उनको ये करने लगते हैं कि नहीं गुरु जी, आप अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, गुरु जी अगर आप ऐसा कर देंगे तो ही हम मानेंगे कि आप हो। हमें लगता है कि गुरु जी शायद फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए शायद गुरु जी हमारे पास नहीं है, लेकिन संगत जी गुरु जी तो हर पल हमारे साथ हैं, हर मोमेंट पे हमारे साथ हैं, हर घड़ी हमारे साथ हैं। आप उनको फील करिए, आप उनको बोलिए कि गुरु जी, मैं अपना बता रही हूँ कि हर जब भी मुझे चाहिए होता है कि नहीं गुरु जी मुझे देखना है कि आप हो कि नहीं हो, प्लीज़ मुझे दर्शन दो, गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं। वो भले ही चाहे ओम के रूप में मुझे दर्शन मिले या मुझे किसी और रूप में मिले, मुझे गुरु जी का दर्शन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ नहीं होता तो गुरु जी ही कम्स टू माई ड्रीम, ही शोज मी कि यस पुत्र मैं हैगा, मैं तेरे नाल ही हैगा। तो संगत जी कभी भी आप लोग ये मत सोचिए कि गुरु जी, बहुत सी संगत को मैंने ये कहते हुए सुना है कि नहीं हम तो गुरु जी से मिल नहीं पाए हैं, गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाए हैं, पुरानी संगत कितनी अच्छी है, वो गुरु जी के पास बैठती थी। मैं कहती हूँ कि वो तो गुरु जी के पास बैठती थी, मतलब गुरु जी को
सब था, लेकिन हम तो उनसे भी ज्यादा लकी हैं कि हम गुरु जी ने हमको उनसे भी ज्यादा, मतलब कहते हैं ना, गले से लगा के रखा हुआ है। उन्होंने इतना ज्यादा हमें प्यार दे रखा है, इतना ज्यादा हमें प्रोटेक्ट कर रखा है, इतना ज्यादा हमें एनर्जी दे रखी है, इतना ज्यादा हमें पोटेंशियल दे रखा है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड दे रखा है कि हम कुछ भी हो जाए, हम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें कभी ये नहीं लगता कि नहीं, वी आर अलोन। हमें हमेशा यही लगता है कि नहीं, गुरुपा इज ऑलवेज देयर। तो संगत जी, कोई भी संगत पुरानी या नई है, सब इक्वल हैं, सब गुरु जी को प्यारे हैं, गुरु जी के सब बच्चे हैं और गुरु जी सभी के साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि किस कोई पुराना है, कोई नया है, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी सबके साथ में हैं, बस एक उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की बात है। उनके साथ में कहते हैं ना, आप उनको पूरा सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को पूरा फुल सरेंडर कर दीजिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं, अगर गुरु जी आप मेरी ये विश पूरी करोगे तब तब मैं मानूंगा कि आप हो। ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप गुरु जी को चैलेंज नहीं कर सकते हो। ही नोज, ही इज योर फादर, ही नोज वॉट इज बेटर फॉर यू, ही नो आपके लिए क्या अच्छा है। तो टोटली उनको सरेंडर कर दीजिए। हम बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन गुरु जी इज ऑलवेज देयर। और जो हमने कर्म करे हैं वो कर्म भी तो काटने हैं ना, वो कर्म भी तो हम ही काटेंगे ना। बस गुरु जी हमें उस चीज को करने की, उस चीज को फेस करने की हिम्मत दें। गुरु जी से हमेशा ये प्रार्थना करिए कि गुरु जी आप मुझे ये हिम्मत दीजिए कि मैं अपनी सारी तकलीफों को करूं। बस अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिएगा गुरु जी, मुझे अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि बिना आपके मैं कुछ भी नहीं हूं। आपकी रहमत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं, मैं कैसे सोच सकता हूं कि नहीं गुरु जी मैं आपके बिना चल लूंगा। इसलिए संगत जी, आप पूरी तरीके से गुरु जी को सरेंडर कर दीजिए। गुरु जी से अपनी कोई भी दिक्कत है, आप क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ में जाके शेयर करते हैं प्रॉब्लम, हम अपने रिश्तेदारों को प्रॉब्लम शेयर करते हैं। बिलीव में कोई 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 किसी का नहीं होता है। ईश्वर के सिवा इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। तो उस हम किसी और के पास जाने से अच्छा हम उस ईश्वर को अपना दोस्त क्यों नहीं बनाते। वो तो बाहें खोल के खड़ा है कि आओ मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। लेकिन हम ही लोग होते हैं जो हम लोग सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं, शायद मेरा ये दोस्त मेरी मदद कर देगा, शायद मेरे लिए मेरा ये रिश्तेदार खड़ा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि कोई नहीं खड़ा होता, उस ईश्वर के सिवा कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। जिस परम पिता ने हमें जन्म दिया है वही हमारी तकलीफों को दूर करेगा। बस इसी चीज को मानते हुए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है आप गुरु जी के पास जाइए, गुरु जी को अपनी प्रॉब्लम बताइए और बिलीव मानिए संगत जी, यू विल डेफिनेटली गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम देयर। और बहुत जल्दी सॉल्यूशन मिलता है। मतलब ये भी नहीं, मेरे गुरुपा तो इतने अच्छे हैं कि आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। बस एक सच्ची विश्वास उन पर करके देखिए, उन पे आस्था रख के देखिए, फिर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी वो किस तरीके से बदल देते हैं, किस तरीके से आपकी लाइफ को वो चेंज कर देते हैं। और मैंने तो ये फेस किया है, आई एम द विक्टिम। मतलब मैं लिटरली बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, प्रैक्टिकल थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं लड़की जो ये सोचती थी कि पता नहीं मेरी मम्मी अब किस बाबा के पास में जा रही है, किस बाबा के पास में अब ये मुझे लेके जा रही हैं, मैं वो लड़की थी। और आज मैं वही लड़की हूँ जो आपके सामने बैठकर गुरुजी के लिए चीजें बोल रही हूँ कि हाँ, वाकई ईश्वर होता है। हम सिर्फ पहचान नहीं पाते हैं, ईश्वर तो हमारे पास ही है। हाँ, ईश्वर हमारे मन में है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी मतलब जो है सिर्फ बड़े मंदिर में है, बड़े मंदिर में है लेकिन वो मेरे मन में भी है।
हर जगह है वो। इस समय मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ वो एक एक शब्द में, जो भी एक एक शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की बख्शी हुई दात है। जो वो चाहते हैं वही होता है, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे दाता ने मुझे आज यहाँ बैठाया, क्यों बैठाया, किस लिए बैठाया, क्या कहलवाना चाहते हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द, एक एक चीज, एक एक जो भी चीज होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मर्जी से होती है, और उनकी मर्जी के बिना तो हम कुछ भी नहीं। तो संगत जी आप सब उनको जो है अब मतलब आप खुद को सौंप दीजिए गुरु जी को, और गुरु जी से अरदास करिए कि गुरु जी मैं आपका बच्चा हूँ, मेरे लिए जो बेहतर हो आप वो करिएगा। मैंने अपनी पूरी पूरी की पूरी ये लाइफ आपको सौंप दी है, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। आप मुझे सुख दोगे तो वो भी मुझे स्वीकार होंगे, आप मुझे दुख दोगे वो भी मुझे हंस के स्वीकार होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें भी मेरा कुछ ना कुछ भला होगा दाता। आप जो भी मुझे देंगे वो मुझे हंस के स्वीकार होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं आपसे जो अपना दूसरा सत्संग शेयर करूंगी वो एक्चुअली सत्संग मेरा शिमला ट्रिप का है। ये शिमला ट्रिप, शिमला में गुरु जी का सत्संग था तो गुरु जी ने मुझे वहाँ पर बुलाया था, और इसके पीछे भी बहुत एक लंबी कहानी है। होता क्या था कि हम लोग एक्चुअली गुरु जी से फेसबुक से जुड़े थे, तो आए दिन हम लोग फेसबुक में देखा करते थे कि गुरु जी का कभी यहाँ सत्संग हो रहा है। और नो डाउट मैंने हमेशा गुरु जी के जितने भी सत्संग देखे वो बहुत ग्रैंड लेवल के देखे, बहुत बड़े लेवल के थे। तो हमेशा एक क्यूरोसिटी रहती थी कि गुरु जी, कभी कभी मैं देखती थी कि गुरु जी का सत्संग दुबई में हो रहा है, कभी मैं देखती थी गुरु जी का सत्संग यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए मेरे मुंह से निकल गया, मैंने गुरु जी के सामने बैठी और गुरु जी से बोला कि गुरुपा आप इतने सत्संग कराते हो, इतनी जगह पे कराते हो, सब संगत को बुलाते हो, तो गुरुपा मुझे आप कब बुलाओगे, हमें कब आने का मौका मिलेगा। और उसी बीच मैं एक सत्संग देख रही थी तो उसमें कोई एक आंटी जी थी, तो उन आंटी जी ने बोला कि ऐसे ऐसे जो है दुबई में सत्संग था तो गुरु जी ने उनको दुबई बुलाया था, तो उनके पास में शायद मॉनेटरी वो स्ट्रांग नहीं थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थी, तो उन्होंने गुरु जी से अरदास लगाई तो गुरु जी ने उनको दुबई शायद बुलाया था। तो वही सत्संग सुन के मेरे भी मुंह से गुरु जी के लिए निकल गया कि गुरु जी मुझे नहीं पता, मुझे भी आप बुलाओ, मुझे भी आपका जो है सत्संग जो है कहीं बाहर अटेंड करना है। तो गुरु जी ने मेरी ये पुकार सुनी, मुझे उन्होंने शिमला सत्संग में बुलाया, शिमला सत्संग में बुलाया। तो हम लोग शिमला गए, शिमला गए तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो बहुत अच्छा था। एक दिन तो हमें मतलब पूरा घूमने का मिला, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि भाई मुझे शिमला घूमने को भी मिल गया, एक हिल स्टेशन, और गुरु जी का सत्संग भी अटेंड करने को मिला। तो पहले दिन जब हम पहुँचे तो वो हमारा थोड़ा सा घूमने वाला ट्रिप था कि चलो एक दिन हम लोग घूम लेंगे, और नेक्स्ट डे था गुरु जी का सत्संग। तो जब नेक्स्ट डे गुरु जी का सत्संग था तो वहाँ से क्या था, होटल से जो है गाड़ियाँ जो थी वो गाड़ी में मम्मी और मैं गए थे, गुरु जी ने मम्मी और मुझे बुलाया था। तो पहली गाड़ी में तो मेरी मम्मी बैठ के चली गई, अच्छा मेरे को गुरु जी ने सबसे लास्ट में गाड़ी में बिठवाया, जो एकदम आखिरी में गाड़ी गई उस गाड़ी में गुरु जी ने मुझे बिठवाया। ठीक है मैं बैठ के गई, मुझे लगा कि ठीक है गुरु जी के पास ही तो जा रहे हैं। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मैं वहाँ सत्संग वाली जगह पे पहुँची गुरु जी के, तो वहाँ तो माय गुडनेस बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा रश था, खूब लंबी लंबी लाइनें लगी थी। हालांकि मेरी मम्मी पहले जा चुकी थी और उनको सीट मिल चुकी थी गुरु जी के पास बैठने की, लेकिन जब मैं पहुंची संगत जी तो वहाँ तो खूब लंबी लाइनें लगी हुई थी और खूब ज़्यादा रश था। अब मैं लाइन में खड़ी थी और अब मैं गुरु जी से जो है बुड़बुड़ करती जा रही थी, गुरु जी से लड़ती हुई जा रही थी, ये क्या गुरु जी,
ये कौन सी बात होती है, आपने बताओ मुझे, इतनी दूर से बुलाया भी और अब इतना, गुरुजी यहाँ तो बहुत रश है और मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी रहूँगी, मुझे तो बैठने को भी जगह नहीं मिलेगा। एक्चुअली था क्या संगत जी, जो गुरुजी का दरबार लगा था वो अंदर बैंक्वेट में लगा हुआ था और बैंक्वेट पूरा फुल हो चुका था। बाहर हॉल एरिया में लंबा सा लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, तो उसी लाइन में मैं भी खड़ी थी और एकदम आखिरी में खड़ी थी। और मैं गुरुजी से जो हूँ लड़ती हुई जा रही थी कि गुरुजी ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं इतनी दूर से आई भी और आपने मुझे बुलाया भी, और गुरुजी ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, आपने मुझे एकदम आखिरी में अब खड़ा कर दिया, अब तो मुझे बैठने को भी नहीं मिलेगा गुरुपा, मैं तो आपको देख भी नहीं पाऊंगी, ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, मैं बुड़बुड़ करते हुए जा रही थी तो इतनी देर में गुरुजी ने एक संगत जी को भेजा। वो संगत जी आके मुझे कहती हैं कि कुड़िए ऐस कर के तू जो है प्रसादा ले ले, अभी ते गुरुजी बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत टाइम लगेगा, तू एक काम कर, तू जो है प्रसादा ले ले, फिर उसके बाद गुरुजी दे दर्शन कर लें। मेरा गुस्सा और बढ़ गया, मैंने मतलब उन अंकल जी को तो मना कर दिया, मैंने कहा नहीं अंकल जी, मैं जब तक गुरुजी के दर्शन नहीं करूंगी मैं प्रसाद ऐसे नहीं लूंगी, मैं पहले गुरुजी के आगे मत्था टेकूंगी। लेकिन मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, मैंने गुरुजी को वहीं पे जो है मन ही मन में बोला कि गुरुजी ये क्या बात हुई, आपको तो मजाक सूझ रहा है, मैं लिटरली बहुत परेशान हो रही हूँ कि बताओ अब मैं आपके दर्शन कैसे करूँगी गुरुपा, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा मतलब कैसे होगा गुरुपा सब। अच्छा, लाइन बढ़ती गई बढ़ती गई, मैं भी लाइन के साथ आगे बढ़ती गई। जब संगत जी मैं लाइन के साथ बढ़ी तो अंदर बैंक्वेट एरिया में एंटर हुई, बैंक्वेट एरिया में एंटर हुई तो मैं तो देख के एकदम शॉक, क्योंकि बैंक्वेट एरिया पूरा फुल था, बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी। अब मैं गुरुजी से अरदास करती हुई जा रही, गुरुजी ये तो बहुत गलत हुआ, बताओ मैं इतनी दूर से आई हूँ गुरुपा और मैं अब आपके सामने बैठ भी नहीं पाऊँगी, आपके दर्शन भी नहीं कर पाऊँगी, मुझे तो बाहर बैठा दिया जाएगा, मुझे बाहर नहीं बैठना गुरुपा, मुझे आपके साथ में बैठना है, आपके पास में बैठना है। और यही कहते हुए मैं गुरुजी से अरदास करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही, आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो जब मैं गुरुजी के दरबार के पास में पहुंचती हूँ तो वहाँ पे दो सेवादार खड़े थे जिन्होंने मतलब गुरुजी के पास तो नहीं जाने दे रहे थे, थोड़ी दूरी बना रखी थी कि भाई आप यहीं से मत्था टेक लें। अच्छा, मैं मत्था टेक रही थी, मत्था टेकते ही टेकते भी मैं गुरुजी से यही बोल रही कि गुरुजी ये बहुत गलत हो रहा है, गुरुपा मुझे बाहर नहीं बैठना, मुझे आपके पास ही बैठना है, प्लीज़ आप कुछ करो ना, मुझे यहीं बैठना है। और मेरी मम्मा वहाँ बैठी हुई थी और क्योंकि मैं आखिरी में आई थी तो स्पेस सारा फुल हो चुका था, जगह नहीं थी वहाँ पे, तो वही हुआ कि मैंने मत्था टेका, मत्था टेक के मैं आंसू गिरने लगे मेरे चेहरे से और मैं उठ के जो है जाने लगी। इतने में वहीं पे खड़ी एक सेवादार मुझे बोलती है कि आंटी जी आप इधर क्यों जा रहे हो, मैंने कहा आंटी जगह ही नहीं है तो मैं कहाँ बैठूँ, तो आंटी ने कहा कि ऐसा है तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। अच्छा, मैं मुड़ गई बैंक्वेट हॉल में, मतलब बैंक्वेट में मुझे अंदर बैठने को तो मिल गया, लेकिन अब आप गुरु जी का देखो, गुरु जी ने मुझे इतने बड़े स्पीकर के पास में बिठवा दिया, बहुत बड़ा सा स्पीकर था जिसकी आवाज़ कान में एकदम मतलब ना वो हो रही थी। फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा गुरुजी ये क्या बात होती है, अब आपने फिर मजाक कर दिया मेरे साथ में, अब इतने बड़े स्पीकर के बगल में आप मुझे बैठा रहे हो, बताओ अब मेरा तो कान दर्द होगा, कैसे कर रहे हो गुरुजी आप, मुझे नहीं बैठना है यहाँ स्पीकर के पास, जबकि गुरुजी ने मुझे अपने पास आगे ही आगे बिठवाया था, लेकिन एकदम स्पीकर के पास बिठवाया था और उस स्पीकर के पास से मुझे गुरुजी बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, सिर्फ स्पीकर ही स्पीकर था और कान में सिर्फ उस स्पीकर की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने आपसे ये थोड़ी ना कहा था, मुझे तो बस आपके पास बैठना है, लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना बैठना है कि आप मुझे दिख भी नहीं रहे हो और जो है इतना बड़ा स्पीकर भी आपने मेरे बगल में लगा दिया, आप बताओ गुरुजी मुझे ऐसे नहीं बैठना, मतलब अंदर ही अंदर मेरी लड़ाई गुरुजी के साथ में चलती चली जा रही है। फिर इतनी देर में क्या होता है, 1 घंटे बाद वहाँ से कोई संगत जो है उठ के जाती हैं, तो सेवादार मेरे पास आते हैं कि आंटी जी आप जो है थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाओ। मैं आगे शिफ्ट हो जाती हूँ, आगे शिफ्ट होती हूँ तो संगत जी ये सामने गुरुजी हैं और मैं उनके सामने हूँ, तो मतलब गुरुजी ने मुझे एकदम अपने सामने बैठाया और
उनके अब मुझे अच्छे से दर्शन होने लगे, तो मैंने गुरु जी से शुक्राना किया और मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो गुरु जी ने जो है मुझे अपने पास तो बैठाया कम से कम। गुरु जी का मैंने शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी सत्संग हमारा वहाँ पे ख़त्म होता है, हमारे पास जो है लंगर प्रसाद आता है। लंगर प्रसाद आता है तो संगत जी सबकी थालियाँ आती हैं, उस थाली में क्या था, सबकी थाली में मटर पनीर की सब्जी आती है। अच्छा मेरी थाली आती है गुरु संगत जी, तो मेरी थाली में मटर पनीर की जगह सिर्फ तेल और तेल आता है। मतलब आप बिलीव नहीं मान सकते, वो सिर्फ तेल। मुझे गुरु जी ने थाली में तेल भेजा कि अब तुझे ये तेल पीना है। और संगत जी मैं तो एकदम, मतलब मेरा तो रोने वाला चेहरा, मैंने कहा गुरु जी ये क्या, मतलब सबको आपने मटर पनीर दिया और मुझे तो आपने थाली में इतना सारा तेल भेज दिया, अब मैं इस तेल को कैसे पीऊँ, और कोई भी कैसे पी सकता है। लेकिन गुरु जी की इच्छा थी, पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी थी, वो क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी थाली में उन्होंने तेल भेजा और उस आज्ञा दिया मुझे कि नहीं तुझे तो ये तेल पीना है। संगत जी मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी मुझे तो इतना लंबा सफ़र करके अभी वापस भी जाना है, बताओ रास्ते में मुझे वॉमिट आ गया कैसे होगा गुरुपा, पहाड़ी एरिया इतना सारा मैं तेल पी लूँगी तो गुरुपा कैसे चीज़ें होंगी। लेकिन गुरुपा की आवाज़ आती है कि नहीं तुझे तो ये तेल पीना है। मैंने संगत जी गुरु जी की आज्ञा मान के वो तेल पिया। तेल पीने के बाद में वहाँ पर गुरु जी ने हमें डांस भी कराया, गुरु जी ने खूब सारा एंजॉय भी कराया। बहुत, मतलब कहते हैं ना, एक बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का जो गुरुपा ने मुझे दिया। और ऐसा लगा कि हाँ, मतलब धरती पे मुझे वाकई, कहते हैं ना, एक वो मज़ा उन पार्टियों में नहीं है संगत जी जो हम लोग जाते हैं ना, एक सांसारिक चीज़ें बहुत इंजॉय करते हैं, नहीं उससे भी हटकर वो एक चीज़ थी जो गुरुपा ने मुझे दी। इतना खूबसूरत मोमेंट था वो, इतना प्यारा मोमेंट कि सामने गुरुपा बैठे हैं और आप सब गुरुपा के साथ एंजॉय कर रहे हो, इतनी दूर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मतलब मेरी एक-एक विश को उन्होंने कैसे पूरा किया। नो डाउट उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया, हर मोमेंट पे एग्ज़ाम लिया। पहले उन्होंने एक संगत को भेजा के नहीं जा इसको जाके प्रसाद ऑफर कर, इसको बोल के बाद में दर्शन कर लेना, पहले प्रसाद खा ले। पहला टेस्ट उन्होंने मेरा यहाँ लिया, दूसरा टेस्ट उन्होंने मुझे इतने बड़े स्पीकर के पास बैठा के लिया कि क्या है, तीसरा टेस्ट उन्होंने मुझे मेरा तेल पिला कर लिया। तो ऐसा नहीं है संगत जी, वो एक एक चीज़ जानते हैं, वो एक एक उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, क्या आपकी पाने की इच्छा है। लेकिन वो भी आपका इम्तिहान लेते हैं, वो भी आपका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आपका कितना अटूट विश्वास है उन पर, आप कितना भरोसा करते हो उन पर। और जब आप उस एग्ज़ाम में फेल हो, पास होते हो ना संगत जी, तो आप सोचो कि मतलब आपको दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत एंजॉय कराया, खूब वहाँ पर डांस कराया, खूब मस्ती कराई, मतलब डैट वॉज द ऑसम ट्रिप ऑफ माई लाइफ जिसको मैं शायद कभी नहीं भूल सकती हूँ। और कभी, मतलब कहते हैं ना, बहुत ही अच्छा टाइम था वो जो मैंने गुरुजी के साथ में बिताया। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमें आज्ञा दिया कि तुम लोग जाओ वापस निकलो, हम लोग वापस निकले वहाँ से। और संगत जी इतना जब मैंने तेल पी रखा था, इतना मुझे गुरु जी ने तेल पिलाया था, तो मैंने वो, मुझे तो ये था कि भाई रास्ते में वॉमिट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे। लेकिन टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गुरु जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही, मैं वापस आई, वापस आके मैं दोबारा एकदम फिट एंड फाइन आपके सामने हूँ। तो कहने का मतलब है कि गुरु जी को सब पता रहता है कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। बस हम ही लोग क्या करते हैं, हम नादान बच्चे। और मेरा तो मानना यह है कि अगर हम गुरुजी से झगड़ा नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे। मेरे तो गुरु पा भी यही हैं, मेरे तो दोस्त भी यही हैं, मेरे तो पापा भी यही हैं, सब कुछ यही है। तो ऐसा नहीं है गुरु, मतलब गुरुजी कहते थे मेरे से मांगो मत, लेकिन संगत जी मेरे पास और कोई नहीं है, मैं अपने पापा से ही मांगूंगी, मैं अपने
गुरुपा से ही मांगूंगी, और टच वुड कभी जिद नहीं करूंगी कि नहीं गुरुपा आपको मुझे यही देना है। सिर्फ एक अपनी इच्छा जाहिर कर सकती हूँ कि गुरुपा मुझे आपसे ये चाहिए, अगर मेरे लिए बेहतर हो तो मेरे मालिक आप मुझे ये देना, और अगर मेरे लिए ये अच्छा ना हो तो आप मुझे ये मत देना। मतलब मैंने खुद को गुरु जी के एकदम सरेंडर कर दिया कि नहीं गुरुपा, आई एम योर बेबी, आप देखो कि आपको मेरे लिए क्या करना है, कैसे करना है, आप जिस भी हाल में रखोगे मुझे मंजूर होगा, और मैं उसे आपका प्रसाद समझ के करूँगी, प्रसाद समझ के चीज़ों को ग्रहण करूँगी कि ठीक है गुरुपा, ये आपकी मर्ज़ी है और जो आपकी मर्ज़ी है वो मेरी मर्ज़ी है। अभी इसी सत्संग में संगत जी, मैं आपको एक दूसरा सत्संग सुनाती हूँ जो मेरे साथ बड़े मंदिर में हुआ था। मैं मतलब ये था कि हर महीने के महीने मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा मैं जा नहीं पा रही हूँ, तो बड़े मंदिर जब हम मैं गई पिछली बार जब गई थी तो सुबह मॉर्निंग मंडे को हम गए, मंडे को मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाती हूँ, फिर दर्शन करके उसी रात मैं वापस हो जाती हूँ। तो संगत जी, मैं जब उस दिन गई गुरु जी के बड़े मंदिर, तो गुरु जी के दर्शन करने के बाद जब मुझे समोसा और चाय प्रसाद मिला वहाँ पे, तो वहाँ बैठ के मैंने समोसा और चाय प्रसाद लिया अपना, तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारा ना प्रसाद समोसे का जो वो चुरचुरा होता है वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ है वहाँ पे। तो मेरे को गुरु जी का आज्ञा आया कि ऐसा है कि प्रसाद गिरा है, इसको तू समेट। तो संगत जी, मैंने अपना प्रसाद खाने के बाद वो पूरा प्रसाद जो है समेट के अपना जो मेरा मतलब प्लेट था उसमें मैंने भर लिया। भरने के बाद अपना उठी, गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके वहाँ मतलब अपना कप और वो रख के जाने लगी। तो जैसे ही मैं जाने लगी, मुझे एक सेवादार मेरे पास में आए और बोले कि बेटा ये आपने क्यों छोड़ा है। मैंने कहा अंकल जी ये मैंने छोड़ा नहीं है, ये मुझे गुरु जी की आज्ञा हुई थी कि बहुत सारा प्रसाद गिरा है, इसको तू समेट उठा और इसको अपने उसमें रख। तो बोले तो अब गुरु जी की आज्ञा है कि ये प्रसाद आपको खाना है। तो मेरा तो थोड़े समय के लिए मतलब एकदम से मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा गुरु जी ये क्या, आपने तो मुझे कहा था कि ये तो प्रसाद गिरा हुआ है ज़मीन पर बिखरा हुआ है लोगों का, इसको तू उठा और समेट और अपनी थाली में रख, लेकिन गुरुपा अब मैं इसको कैसे खाऊं। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई ये तो सबका गिरा हुआ है, नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था, गुरुपा आपने तो मुझसे समेटवाया था इसको। लेकिन गुरुपा की फिर से आवाज़ आती है, मैं जिन्ना कह रहे हैं उन्नी गल सुन। मैंने कहा ठीक है गुरुपा, अगर आप कह रहे हो तो मैं इसको ज़रूर खाऊंगी। मैंने, आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, वहीं बड़े मंदिर में जितना भी वो सब बटोरा था अपनी थाली में, गुरु जी की क्या इच्छा थी क्या मर्जी थी मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु जी ने मुझे वो प्रसाद भी खिलवाया और वो मैंने खाया। गुरु जी की मर्जी को वो किया कि नहीं ठीक है गुरुपा, अगर आप कह रहे हो तो इसमें मेरा कुछ अच्छा ही होगा, और गुरु जी ने मुझे वो प्रसाद खिलाया और अपनी ब्लेसिंग्स दी और हमेशा दी, हमेशा वो मुझे ब्लेस करते आए हैं। मतलब ऐसा कोई मोमेंट नहीं है जब उन्होंने मुझे ब्लेस ना किया हो, जब उन्होंने मुझे अपनी कहते हैं ना कि हर एक घड़ी उन्होंने मेरा साथ दिया है, कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहा जब गुरुजी ने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब इतना तो कोई अपने भी साथ नहीं देते होंगे जितना मेरा गुरुपा ने साथ दिया है। मतलब लिटरली संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ गुरुजी के लिए बोल भी पाऊँ। आज मैं बोल भी रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये हिम्मत कहाँ से आ रही है, कैसे मैं बोल पा रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन बिलीव मी गुरुजी गिव मी द बेस्ट। हमेशा उन्होंने मुझे अच्छा ही किया है मेरे साथ, कभी बुरा होने ही नहीं दिया, और अगर बुरा होने भी लगा तो गुरुजी ने तुरंत मुझे संभाला, तुरंत मुझे इतना एनर्जी इतना पावर दिया, हमेशा ये रियलाइज़ कराया कि नहीं कुड़िए तू अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ, योर फादर इज़ विद यू, योर गॉड इज़ विद यू, वाई यू वरी। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं है संगत जी के प्रॉब्लम आती नहीं है, प्रॉब्लम ज़रूर आती है, बट कभी उस चीज़ को गुरु जी ने मुझे रियलाइज़ नहीं होने दिया कि नहीं तेरी लाइफ में प्रॉब्लम है,
मैं अभी रिसेंट का आपको बताती हूँ संगत जी। गुरु जी ने मुझे एक नई सेवा दे रखी है। नई सेवा उन्होंने मुझे ये दी है कि मेरे पास क्या है कि ना छोटे छोटे डॉगीज हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, छोटे छोटे पपीज हैं, अब तो खैर बड़े हो गए। तो उन्होंने 10 डॉगियों की मुझे सेवा दे रखी है। वो डेली मुझे जो है उसका खाना बनाने के लिए, मतलब खाना खिलाना है उनको, ये गुरु जी ने मुझे सेवा दे रखी है। तो संगत जी, जब मैंने ये सेवा स्टार्ट करी तो आई वॉज सो वरीड। मुझे लगता था कि गुरुपा मैं इतना सारा कैसे मैनेज करूँगी, कहाँ से इतना अफोर्ड करूँगी। मतलब ऐसा नहीं है, जानवरों को खाना खिलाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, गुरु जी ने कहाँ से कब चीज़ें हो जाती हैं मुझे खुद नहीं पता होता। मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बस गुरु जी के सामने जाके मैं बोल जरूर देती हूँ कि गुरुपा अब तो मेरे पास में मेरी सैलरी खत्म, अब तो मेरे पास में मेरे पैसे खत्म, गुरुपा मैं अब इनको खाना नहीं खिला पाऊंगी, मैं कैसे करूँगी गुरुपा। और संगत जी, आप बिलीव मानो, गुरुपा कहाँ से मैनेज कर देते हैं, कहाँ से चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। और मैं खुद ही, मतलब उनका मैं जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी, वो उतना कम है। मैं जितनी उनकी थैंक्स बोलती चली जाऊं उतना कम है। मतलब इतना उन्होंने किया है, इतना किया है और आगे कर भी रहे हैं। तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी, इतने अच्छे हैं कि शायद, मतलब कहते हैं ना कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमें साक्षात ईश्वर मिल जाएंगे। और मेरी तो सोच से भी परे हैं चीज़ें कि वाकई, मतलब ही इज़ अ मिरेकल। एवरी टाइम ही शोज मी अ मिरेकल के नहीं, तू देख, तू बस देखती चली जा, तू बस मुझ पे भरोसा रख और चीज़ों को देखती चली जा। तो संगत जी, मैं बस गुरु जी से ये प्रार्थना करना चाहूँगी कि गुरु जी, जिस तरीके से आपने मुझे ब्लेस किया है, गुरु संगत को, जितनी भी संगत इस समय है और भी हैं, उन सबको आप ब्लेस करिए गुरु जी। सबको ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, पूरे विश्व का कल्याण करिए, सबको ढेर सारी खुशियाँ दीजिए, सबकी सेहत अच्छी रहे, सबको धन धान्य से सब संपन्न रहें, किसी को कभी कोई तकलीफ ना हो गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। अभी संगत जी, मैं आपसे अपना तीसरा सत्संग शेयर करूँगी। और ये सत्संग जो है मेरा, एक्चुअली मतलब एक थॉट का है कि ऐसे ही मम्मा और मेरी जो है बात हो रही थी, तो हम लोग बैठे थे, तो हमारे मन में, मम्मी के मन में ये आया कि गुरुपा प्लीज़ हमें इतना मतलब कर दो कि हम ना वृद्ध आश्रम में सत्संग करा लें। अभी संगत जी, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे थे, सिर्फ बात हो रही थी, मतलब ये कहते हैं ना आपस में कम्युनिकेशन हो रहा था, और गुरुजी से अरदास लगाई जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ हमें मतलब इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग कर दो कि भाई हम जो है जाके एक बार अनाथ आश्रम में सत्संग करा लें। संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, उसी मोमेंट, मतलब 1 मिनट का भी समय नहीं लगा होगा, मम्मी का मोबाइल बजता है। उस मोबाइल में जो उनका एक कहते हैं ना संगत वाला ग्रुप है, उस ग्रुप में एक मैसेज आता है कि इस तारीख को जो है इस वृद्ध आश्रम में सत्संग है। तो हम लोग एकदम शॉक्ड हो गए कि हमने तो गुरुपा अभी सिर्फ बोला ही था और आपने मतलब उस चीज़ को एकदम विश पूरी कर दी। उसमें नंबर दिया होता है उन आंटी का, उन आंटी को हम फ़ोन करते हैं, हम कहते हैं कि आंटी ऐसी ऐसी बात है, हम मतलब हम भी अपनी इसमें सेवा देना चाह रहे हैं। तो वो आंटी कहती है हाँ मैं आपके पास अभी फ़ोन ही करने वाली थी, आप जो है इसमें हमारा जो है जल सेवा दे दीजिए। तो संगत जी, हम लोगों ने उस अनाथ आश्रम में गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मर्जी से, जो हम चाहते थे, हमारी विश तो गुरु जी ने पूरी करी करी, और हमारे हाथ से जो उन्होंने सेवा कराई। तो मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। मतलब
मेरे साथ तो उन्होंने, मेरी और मेरे परिवार के साथ में तो गुरुजी ने इतना सारा सब चीजें किया है कि ऐसा लगता है कि बस आप मुंह से चीज बोल दो और वो पूरी हो जाएगी। इतनी दात बख्शी है मेरे दाता ने मुझे, इतनी रहमत करी है मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर कि शायद मैं मतलब पूरी जिंदगी भी उनका शुक्राना करना चाहूँ तो ये जिंदगी भी कम पड़ जाएगी। इतनी दात मेरे गुरुपा ने मुझे बख्शी है। तो संगत जी, गुरुपा ने मतलब मेरे क्या आप सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ब्लेसिंग किया होगा, सबको ब्लेस किया होगा। बस कहने का ये है कि आप सब अपना विश्वास गुरुजी पे बनाए रखिए, कभी भी अपने विश्वास को आप डगमगाने मत दीजिए, कभी भी अपने विश्वास को बिल्कुल कहते हैं ना टूटने मत दीजिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, सबकी लाइफ में आएंगी, जो हमने कर्म करे हैं वो कर्म तो हमें भोगने ही हैं, लेकिन गुरुपा का साथ, गुरुपा का होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी दात बख्शी है उन्होंने हम सबको, बहुत हिम्मत दी है गुरुपा ने हम सबको। उस हिम्मत को, उस विश्वास को आप सब बनाए रखिए। कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं, गुरुपा जो है मेरी चीज़ें पूरी नहीं करते हैं, मेरी विश पूरी नहीं करते, या मेरे साथ ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं, आप गुरुपा से हमेशा ये कहिए कि नहीं गुरुपा, आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, और आप आगे भी जो करोगे वो बहुत अच्छा करोगे। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी इतनी तथा भी नहीं है कि मैं आपके बिना एक कदम भी चल सकूं, फिर पूरी जिंदगी तो चलना बहुत बड़ी बात है। और संगत जी, ये मैं आपसे सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्यों, क्योंकि मैंने उन चीजों को फेस किया है। गुरुपा को मैंने बहुत करीब से फेस किया है, मतलब मैं उनसे मिल ही रही हूँ, कभी मैंने गुरुपा को देखा नहीं है। मैं उन संगत में नहीं हूँ कि मैं गुरुपा के साथ में बैठी हूँ या कुछ, लेकिन गुरुपा ने मुझे ये चीज़ दिखाई कि ऐसा नहीं है। मैं आज भी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ। कोई संगत नहीं या पुरानी नहीं है, सब बराबर हैं, सब को मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं पुरानी संगत से करता हूँ। बस तुम लोग मुझ पर विश्वास बना के रखो, मुझ पे भरोसा रखो। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का भरोसा, जरा सा तकलीफ आती है तो हमारा भरोसा डगमगाने लगता है, लगता है कि नहीं गुरुपा हमारे लिए ऐसा कर नहीं रहे हैं, या गुरुपा हमारी ये विश पूरी कर नहीं रहे हैं। बस यहीं से हमारा विश्वास डगमगा जाता है और हमें लगता है कि नहीं, गुरुपा हमारे साथ नहीं है। तो संगत जी, गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं, और जैसे उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी, मैं प्रे करूँगी वो आप सबको ब्लेस करें, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें, सबको अपना कहते हैं ना ढेर सारी खुशियाँ दें, संसार में कोई भी दुखी ना रहे, सबको अपनी दात बख्शे। अब गुरु, आप सबसे विदा लेने से पहले मैं गुरु जी के लिए एक छोटा सा भजन बोलना चाहूंगी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।